लोग कहते हैं कि आप हमेशा हवाला देते हैं कि लोक संख्या बढ़ने की वजह से पानी की ठीक तरीके से नहीं सप्लाई किया। वो बोला 70 लाख लीटर पिताजी एमएलए बनने से पहले, ये रिकॉर्ड पे से निकाल सकता है। 41 करोड़ लीटर आज दिन का आ रहा है, वो कोई भी रिकॉर्ड निकाल के देख सकता है, मतलब 60 गुना बढ़ा है। अभी आप बोलो ग्लोबल सिटी, ये जो विरोध कह रहे हैं, इतने मीटिंग लिए डेवलपर के साथ, वो टाकी का खर्चा उसके सर पे डालने के लिए। लोग परिवहन पर आरोप करते हैं कि जिस लोक संख्या के आधार पे चाहिए उतनी नहीं है। मुझे दिल से अच्छा लगता है, बात तो उन्होंने मानने की परिवहन सेवा चालू है। 30 साल में विकास नहीं हुआ है तो परिवहन सेवा तो बंद रहनी मांगती है, कम कैपेसिटी में चल रही है, मतलब चल रही है ये तो मान्य करते हैं, तो इतनी भी समझ उनको नहीं है। अस्पताल पर कहते हैं कि व्यवस्था अस्पताल की चरमराई है। अस्पताल में BAHS डॉक्टर रजिस्टर के डिग्री के प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन डिग्री धारक डॉक्टर नहीं मिलते और अस्पताल की कमी है लोक संख्या के आधार पर। 7 हॉस्पिटल महापालिका में, वसई तालुका का पॉपुलेशन 20 लाख के आसपास, पूरे वसई तालुका का पॉपुलेशन 42 लाख से ज्यादा लोगों ने हॉस्पिटल का सेवा लिया है। चीफ मेडिकल ऑफिसर भक्ति चौधरी महापालिका में उसका डिलीवरी हुआ, लेकिन अपने महापालिका का हॉस्पिटल का सर्विस अच्छा है, इसलिए उसने खुद ने भी खुद का डिलीवरी भी बच्चों का अच्छा अपने महापालिका में डिलीवरी, माता बाल संकोपन केंद्र 8000 से ज्यादा डिलीवरीज महापालिका के हॉस्पिटल्स में हुई। 50% से ज्यादा डिलीवरीज महापालिका के हॉस्पिटल में हर साल होते हैं। अपनी महापालिका सालों साल टाइफाइड का वैक्सीन फ्री देती है, एक में वो महापालिका। वो 400 बेड के हॉस्पिटल का जो अभी इशू चल रहा था, मुख्यमंत्री जी ने, महायुति की सरकार थी, उन्होंने डिक्लेयर किया, उन्होंने पैसा पास कराया और उन्होंने अस्पताल की नींव रखने के लिए कहा और आपने अपने जन्मदिन पर उसको क्रेडिट ले लिया। तालुका में हॉस्पिटल की मांग, 400 बेड का हॉस्पिटल 25 करोड़ का चेक आ गया, उनको दुख किस बात का है? क्रेडिट उनको मिलना चाहिए, ले लो। एक बाजू आप दोनों बाजू से नहीं बोल सकते, एक बाजू बोल रहे हो कि कुछ काम नहीं हो रहे और जो काम हो रहे है वो हमने करा है। कार्यालय छोड़ के जाता है कि नहीं जाता है, वो प्रमाण है वहाँ पे। उन्हें एक मौलाना है कहा कि यहाँ पर बोईसर, नाला सुपारा और वसई में वोट दिया जाए बहुजन विकास अघाड़ी। चुनाव के अंतिम छोर में क्या बचा, तो बचा तो हिंदू और मुस्लिम। देश में क्रमान इलेक्शनों में इस तरह की भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव सेट होता है, अलग अलग जाति और धर्म के, सिर्फ मौलाना जी के। परसों स्वामीनारायण मंदिर में था, स्वामी जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं उनका आभारी हूँ। जैन महाराज, मतलब मेरे पिताजी ने उससे कम 25-30 बार जैन उपवास किए, सिर्फ गर्म पानी, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, तो हर साल करते 9 दिन जैन लोगों के उपवास, उनके महाराज ने हमको आशीर्वाद दिया। गुरु नानक जयंती थी सुपारा में, मैं 3 दिन पहले था गुरुद्वारा में, कल गुरु नानक जयंती में मैं वसई में था, गुरु जी ने हमें आशीर्वाद दिया। हमारा साई बाबा का मंदिर 1886 में बना था, कॉलेज के सामने का गणपति मंदिर किसने बनाया, सुपारा का पाचमुखी हनुमान मंदिर किसने बनाया, आचोला का साई बाबा मंदिर किसने बनाया, शिरडी में भक्त निवास था। अभी ये हम धर्म के नाम पे ढोल पीटना, मतलब मैं हिंदू हो गया ऐसा नहीं है। अगर अलग अलग जाति धर्मों के लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया तो ये हम नसीब समझते हैं हमारा, नहीं तो मैं उनके ऑफिस पे आता हूँ, आप सब मीडिया वाले जमा हो जाए, उनकी गाड़ी में आप इंटरव्यू लो मेरे साथ, उनकी गाड़ी में मैं आऊंगा। आप खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं कि आइए। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। चुनावों का दौर और इस समय चुनाव अपनी अंतिम यात्रा की तरफ बढ़ रहा है। 20 तारीख नज़दीक है, उस दिन मतदान होगा। उससे पहले ये इंटरव्यू जो लोग देख रहे हैं वो निश्चित रूप से ये जान लें कि उन सभी सवालों के उत्तर मिलने वाले हैं जो लगातार विरोधी सवाल अपने प्रचार प्रसार के दरमियान कर रहे हैं। वो विकास पर सवाल कर रहे हैं, वो वर्तमान निवर्तमान विधायक के घूमने पर कर रहे हैं, तमाम सवालों पर उत्तर सीधे हम जानते हैं उनसे जिन पर आरोप है। जितेश ठाकुर वो हमारे साथ उपस्थित है और जानते हैं उनसे कैसी है प्रचार यात्रा और कैसा होगा आगे का विकास। सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? एकदम ठीक। चुनाव के दरमियान बड़ा टेंशन हो जाता है कई लोगों को कि जरा भी नहीं, चिंता ही लेते ये आरोप प्रत्यारोप का। हमारा परिवार पूरा फील्ड पे उतरा है तीनों मतदार संघ में, और जब परिवार जिस ताकत से उतर रहे तो टेंशन का क्या बात है। जब परिवार पीछे हो, 8 नंबर, कई लोग अलग अलग टिप्पणियां कर रहे हैं, 8 नंबर मतलब वो गणित, ये गणित, आप कैसे कहते हैं 8 नंबर? 8 नंबर भगवान का अवतार, ये 8वां, अब जन्म बोलो के अवतार बोलो, ये 8वां था, 8 लकी है हमारी। अच्छा, विकास पर विपक्ष आरोप कर रहा है, कह रहा है कि डेवलपमेंट के नाम पर 35 वर्षों में कुछ नहीं हुआ। मैं डेवलपमेंट की एक एक कड़ी पर आता हूँ। सबसे पहले, आप जब सुबह उठते हैं तो आपको पानी की आवश्यकता होती है, वो लोग कह रहे हैं कि पानी नहीं है, घर में नल है लेकिन पानी नहीं आता, इस पर क्या उत्तर है? जब पिताजी पहली बार चुन के आए थे, 7 से 10 MLD, अभी MLD सामान्य जनता को समझ में नहीं आता है, 70 लाख के आसपास
लीटर 70 लाख लीटर के आसपास पूरे वसई तालुका को दिन में पानी मिलता था, पूरे वसई तालुका। आज 41 लाख 41 करोड़ लीटर पानी दिन में अपने तालुका में आता है। ये उन्होंने बोलने का कि ये झूठ है। 41 करोड़ 41 लाख 41 करोड़ लीटर हर रोज वसई तालुका में आते हैं कि नहीं आता है? इसको जरा 60 गुना से पानी बढ़ा। जो आरोप करते हैं उन्होंने अलग अलग बिल्डिंगें बनाई, उनके बिल्डिंग में आपको विनंती करता हूँ जाके लोगों का इंटरव्यू लो और देखो कि उनके बिल्डिंग में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो जिस घर में रहते उधर जाके देखो पानी का कनेक्शन है कि नहीं है। वाटर चार्जेस तो भरे रहेंगे ना, जो बिल्डिंग उन्होंने बनाई है उधर वाटर चार्जेस तो भरते रहेंगे। अगर कनेक्शन नहीं मिला है तो वाटर चार्जेस वो बिल्डिंग क्यों भर रहे हैं, ये आपने देख लेने का। उनका व्यवसाय, मुख्य व्यवसाय पहले टैंकर सप्लाई का था, वो धंधा बंद क्यों हुआ? हमारी वजह से बंद हो गया क्योंकि हमने नया पानी का स्कीम अलग अलग भाई पानी का अलग अलग स्कीम कितने के टैंकर का व्यवसाय, यानी कि सीधे तौर पे आप राजन नाइक पे अटैक। उनके पेट्रोल पंप का बिल आज भी वाटर सप्लाई के नाम पे। अच्छा, आप जाके पेट्रोल डीजल भराइए। अभी मैंने तो सुना है कि इलेक्शन में सब फ्री पेट्रोल डीजल भराने को दे रहे वो लोग। जाइए पेट्रोल पंप पे और आपको जो बिल मिलेगा वो वाटर सप्लाई के नाम पे। अच्छा, तो ये बहुत उनका टैंकर का धंधा बंद क्यों हुआ ये आप उनको पूछिए। पानी को लेकर यानी ये जो बोल रहे हैं वो झूठ है, 100% झूठ है। 285 किलोमीटर का पाइपलाइन सोर्स से लेके वसई तालुका, मतलब स्कीम 70 किलोमीटर पे, 70-75 किलोमीटर। तो विरोधक ये भी बोलेंगे तो 285 किलोमीटर का पाइपलाइन कैसे हुआ? अलग अलग स्कीम जो हमने सूर्या 1, सूर्या 2, सूर्या फेज 3, खोलसापाड़ा 1-2 का काम चालू है, सुसरी धरण है, अपना देहरजा क्लेम डाल के रखा है, 150 से ज्यादा करोड़ रुपया फॉरेस्ट के एनपीवी के लिए पैसा भरा है और ये सब गवर्नमेंट को भरा है, प्राइवेट टेंडर कॉन्ट्रैक्टर को नहीं भरा है। ये सब ऑन रिकॉर्ड है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, निकाल के चेक कर सकते हैं, कोई भी निकाल के चेक कर सकता है। जो मैं बोला 70 लाख लीटर पिताजी एमएलए बनने से पहले ये रिकॉर्ड पे से निकाल सकता है और अभी 41 करोड़ लीटर आज दिन का आ रहा है, वो कोई भी रिकॉर्ड निकाल के देख सकता है। वो लोग कहते हैं कि आप हमेशा हवाला देते हैं कि लोकसंख्या बढ़ने की वजह से पानी की ठीक तरीके से नहीं लेकिन जितना हो सकता है हमने सप्लाई किया, तो लोकसंख्या एक कारण होता है ठीक तरीके से सब तक पहुंचना? आधा कारण लोकसंख्या है। अब ये पिछला सेंसस तो हुआ नहीं लेकिन 1970 से अगर आप लोकसंख्या देखो वसई तालुका की, तो एवरी सेंसस में डबल से ज्यादा पॉपुलेशन हुआ है वसई तालुका का। पानी की कैपेसिटी 70 लाख लीटर से लेके 41 करोड़ लीटर, मतलब 60 गुना पानी बढ़ा है। पुराना प्रॉब्लम पॉपुलेशन था, ये जो नए नए स्कीम्स हमने किए, आधा प्रॉब्लम दूसरी बाजू क्या है तो डिस्ट्रीब्यूशन का, पानी किधर नहीं पहुंचा है वो भी बोलता हूँ। पुराने जितने भी बिल्डिंग थे, चाल थे, वो सब जगह पे पानी पहुंच गया क्योंकि पुरानी पाइपलाइन वो टाइम पे जो रेलवे को लग के जो डेवलपमेंट थी पुरानी, उधर तो पुराना पाइपलाइन का नेटवर्क ऑलरेडी था। अभी आप बोलो ग्लोबल सिटी, ग्लोबल सिटी पे बहुत प्यार आया इनका, बड़ा बड़ा मुद्दा बना के बहुत ग्लोबल सिटी पे प्यार आया, पानी की टंकी और वो आंदोलन। पानी का टाकी किसने बनाया? पानी के टाकी पे चढ़े, अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो पानी का टाकी तो हमने बनाया, जिस टाकी पे चढ़ के वो आंदोलन किया था टाकी तो हमने बनाया। और वो हमने बनाया मतलब क्या, वो बिल्डर के खर्चे से बनाया। अगर वो बिल्डर के खर्चे से हम नहीं बनाते थे तो वो सोसाइटी वालों को वो खर्चा बेयर करना पड़ता। हाँ, और उधर ग्लोबल सिटी में कोई करोड़पति नहीं रहते, मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, वो टाकी का खर्चा उनको परवड़ता था क्या? वो बिल्डर से करवा के लिया। पुराना जब ग्लोबल सिटी सैंक्शन हुआ था लेआउट, G+7 के बिल्डिंग थे, G+7 के बिल्डिंग के हिसाब से पानी का सप्लाई का पाइपलाइन डेवलपर ने, विकासक ने डाला था। बाद में गवर्नमेंट चेंज हुआ, FSI बढ़ गए, तो अभी 22-22 14-14 मंजिले के टावर उधर बन गए।
अभी मुझे आप बताओ, जो G+7 सात मजले की बिल्डिंग के लिए जो पाइपलाइन लीक किया था, वो 22 मजले और 14 मजले की बिल्डिंग के लिए पानी सप्लाई कैसे पूरा हो सकता है? 10 लाख लीटर उनका पूरे लेआउट के लिए जो विकासक ने टाकी बना था वो 10 लाख लीटर का था। अभी बड़े बड़े बिल्डिंग बन गए उधर, तो 10 लाख लीटर अपूरा पड़ता था, इसलिए एडिशनल पानी का टाकी क्लब वन के बाजू में करवा के लिया। अभी टोटल 38 लाख लीटर का पानी हर रोज उधर जाता है। विरोधक कह रहे हैं हमने बहुत प्रयास किया तब जाके बनी है, तो MLA चुन के आने का जरूरत ही नहीं है ना, कोई भी सामान्य आदमी प्रयास करके काम करवा के ले सकता है, बराबर है ना। ये जो विरोधक कह रहे हैं कितने मीटिंग लिए डेवलपर के साथ वो टाकी का खर्चा उसके सर पे डालने के लिए, वो बताए। सार्वजनिक करें ना इस बात को, सार्वजनिक करें कि हमने अमुक अमुक डेवलपर को मिले थे और उसके जेब में से पानी का टाकी हमने करा के दिया। बोले वो महापालिका का पैसा नहीं उधर, वो पूरा टाकी डेवलपर के सर पे डाला हमने, उसको उसका जो TDR PDR मिलना था वो मिल गया, TDR का भाव भी टूट गया। विषय वो नहीं है, विषय अगर वो ताकि अपने लोगों के ऊपर आता तुमको उस मिडिल क्लास फैमिली को दिक्कत होता। अच्छा, इसमें एक और सवाल, जब सुबह उठा पानी मिली उसके बाद आप निकले सड़क पर, परिवहन की व्यवस्था, तमाम लोग परिवहन पर आरोप करते हैं कि जो परिवहन की व्यवस्था दी गई जिस कॉन्ट्रैक्टर को, इससे पहले भागीरथी के पास था, उन पर उन्होंने जो किया व्यवस्था गड़बड़ हो गई, 2017-18 में खराब हो गया, इसके बाद कई सारी बसेस अभी भी खराब पड़ी, उस पर लोग आरोप कर रहे हैं। एक आरोप कर रहे जो नया टेंडर जारी हुआ जिनको मिला वो बसेस भी ठीक नहीं, कई लोगों जितनी बसेस लोकसंख्या के आधार पर चाहिए उतनी नहीं है, इसकी वजह से परिवहन व्यवस्था ठीक नहीं है। यारों अभी एक तो मुझे दिल से अच्छा लगता है कि एक बात तो उन्होंने मानने की कि परिवहन सेवा चालू है। अच्छा, अगर 35 साल में विकास नहीं हुआ है तो परिवहन सेवा तो बंद रहनी मांगती है। तो अगर वो आरोप कर रहे कि कम कैपेसिटी में चल रही, मतलब चल रही है तो मान्य करते हैं, बराबर है। 40 नए इलेक्ट्रॉनिक बसेस रिसेंटली आ गए अपनी एक में, वो महापालिका है पूरे देश में, जो ये इलेक्ट्रॉनिक बसेस का नॉर्म्स क्या था कि कॉन्ट्रैक्टर को महापालिका ने टेंडर देने का, उसको हर बस चलाने के लिए पैसा देने का, और जो टिकट का खर्चा बस चलाने में लगेगा वो टिकट का खर्चा महापालिका को जमा करने का, मतलब कॉन्ट्रैक्टर को महापालिका ने पैसा देने का बस चलाने को, और जो टिकट का खर्चा कलेक्शन होगा वो महापालिका को कॉन्ट्रैक्टर ने जमा करने, उसमें सबसे ज्यादा चोरी होगी। आप आजू बाजू के कोई भी महापालिका में देख लो, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अगर 1 लाख टिकट बिकाना महीने का तो वो दिखाता है 15,000 टिकट बिकाए, 25,000 टिकट बिकाए, तो वो पैसा पूरा कॉन्ट्रैक्टर की जेब में जाता है, और महापालिका तो कॉन्ट्रैक्टर को चलाने को पैसा दे ही रही है। अपनी एक में वो महापालिका है जो कॉन्ट्रैक्टर महापालिका को पैसा देता है बस चलाने के लिए, ये उन्होंने बोलने का झूठ है। ये नीति आप लोगों ने निर्धारित 100% कॉन्ट्रैक्टर, आपने कभी सुना है क्या अभी मीरा भाईंदर में 43 करोड़ हर साल का कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देते हैं बस चलाने को, बाजू में थाना महापालिका है 75 करोड़ हर साल कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देते हैं बस चलाने को, और वो हर साल पैसा बढ़ते जाता है। अपने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर महापालिका को पैसा देता है बस चलाने को, उन्होंने आरोप करने का कि ये झूठ है। वो व्यवस्था कह रहे हैं पहुंच नहीं पाती है, कई जगह ग्रामीण अंचल में अभी भी बस स्टॉप हैं लेकिन बसें नहीं, भी बस स्टॉप नहीं है जहां पर रुकना चाहिए, स्टॉप नहीं है या लोगों नहीं पहुंच पाती, इसकी व्यवस्था पर लोकसंख्या का आधार है या कुछ और भी? नहीं, जब ये बोलते कि ग्रामीण भाग में पहुंच नहीं पाती, उनको एक समझ नहीं है कि MMR के हद के बाहर एक सर्टन किलोमीटर तक ही परिवहन सेवा को परमिशन है। ST बसेस पूरे महाराष्ट्र में चलती है जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है, महापालिका की बस सर्विस को लिमिटेशन है इन टर्म्स ऑफ MMR के बाहर कितना किलोमीटर वो जा सकते हैं। ग्रामीण भाग जो बोल रहे हो, मतलब इधर से मुझे पिंपरी लेके जाने का है तो अधिकारी नहीं है, परिसीमा के बाहर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, तो इतनी भी समझ उनको नहीं है। पहले तो समझ लो कि क्या कर सकते और क्या नहीं कर सकते, उसके बाद में वो लोग ने आरोप। तो जितनी जगह अभी नहीं पहुंचे, 30 बसेस के अभी जो जनरल चल रहे हैं वो हैं, उसके बाद जो आने वाले 40 EV बसेस ऑलरेडी आ गए, एडिशनल 17 बसेस आते 2-4 महीने में, एडिशनल 17 इलेक्ट्रॉनिक बसेस आएंगे, टोटल परिवहन सेवा के बसेस 150 के आसपास है, जिधर जिधर जिस जिस राउट पे लोगों ने मांग किए उधर उधर बसेस चालू किए,
एक सिर्फ हम कॉन्ट्रैक्टर को सपोर्ट इस बात का करते हैं कि अगर बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं कि हमारे यहाँ पे चालू करो, जैसा ग्लोबल सिटी में 3 बार परिवहन सेवा चालू की और वो 3 बार बंद हो गई, उसका रीजन क्या है? सवारी नहीं मिलती, उनको उड़ती है, मांग तो कर लेते हैं लेकिन यात्री नहीं मिल पाते, कोई यात्री बैठता नहीं है तो वो बंद हो जाती है। तो उतना हम उसको सपोर्ट करते हैं क्योंकि उसको महापालिका 1 रुपया देती नहीं तो उसको महापालिका को देना भी है, अपना काम भी निकालना। बराबर, ठीक है। अगला सवाल, अस्पताल पर कहते हैं कि व्यवस्था अस्पताल की चरमराई है, MBBS डॉक्टर जो डिग्री धारक है उसकी कमी है, अस्पताल में BAHS डॉक्टर जिस तरह के डिग्रीज के प्राप्त हो जाते हैं लेकिन डिग्री धारक डॉक्टर नहीं मिलते, फैसिलिटीज नहीं मिलती और अस्पताल की कमी है लोक संख्या के आधार पर। 7 हॉस्पिटल महापालिका में, बसी तालुका का पॉपुलेशन 30 लाख के आसपास, सेंसस हुआ नहीं इसलिए एग्जैक्ट फिगर तो किसी को भी नहीं मालूम, 30 लाख के आसपास पूरे बसी तालुका का पॉपुलेशन है, 42 लाख से ज्यादा लोगों ने हॉस्पिटल का सेवा लिया है अभी तक रिकॉर्डेड में, ऑन रिकॉर्डिंग 42 लाख पीपल, 42 लाख लोगों ने बसी विरार के क्षेत्र में OPD, IPD, IPD 1,30,000-40,000 के आसपास IPD का सेवा लिया है, OPD 42 लाख से ज़्यादा सेवा लिया है, ये सब ऑन रिकॉर्ड है। अभी आप बोलोगे लोक संख्या 30 लाख है तो 42 लाख किधर से है? कुछ लोग 2 बार रिपीटेड गए हैं, 4 बार एडमिट हुए। दूसरा क्वेश्चन मेरा, ये जो बोलते हैं कि हॉस्पिटल की सर्विसेज बराबर नहीं है, अपने CMO चीफ मेडिकल ऑफिसर भक्ति चौधरी अच्छा खासा पगार है, 7 पे कमीशन 6 पे कमीशन जो भी रहे, अपने महापालिका में उसका डिलीवरी हुआ। अच्छा, उसका परिस्थिति नहीं है इसलिए महापालिका के हॉस्पिटल में डिलीवरी हुआ, ऐसी बात नहीं है, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए जा सकती है, लेकिन अपने महापालिका का हॉस्पिटल का सर्विस अच्छा है इसलिए उसने खुद ने भी खुद का डिलीवरी भी बच्चों का अच्छा अपने महापालिका में डिलीवरी, माता बाल संकोपन केंद्र जो बना है बराबर 60,000 से ज्यादा डिलीवरीज महापालिका के हॉस्पिटल्स में हुई, 50% से ज्यादा डिलीवरीज महापालिका के हॉस्पिटल में हर साल होते हैं, सिजेरियन का प्रमाण सिर्फ 8% है जो प्राइवेट हॉस्पिटल से आप कंपेयर करो, सिर्फ 8% यही अगर प्राइवेट हॉस्पिटल से अपन कंपेयर करें तो 50% से कम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में वसई तालुका में डिलीवरी के लिए जाते हैं, और सिजेरियन का प्रमाण 45% है, 45% है। तो अभी मुझे बोलो प्राइवेट हॉस्पिटल से तो महापालिका के हॉस्पिटल्स का एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छा है। डिग्री पर कहते हैं, फैसिलिटी पर कहते हैं कि अस्पताल कम है, कई बार डिग्री धारक डॉक्टर नहीं मिलते, जिनको विधायक बनना है उनको इतनी तो समझ मांगती है कि ये सारे 28 शर्ती की कौन से हॉस्पिटल में किस डिग्री का होना मांगते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, वो महापालिका डिसाइड नहीं करती, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने जो नियम दिए हैं कि कौन से क्वालिफिकेशन का डॉक्टर किधर रहना मांगता है उस दायरे के बाहर महापालिका को अधिकार है क्या हायर करने को? कल आपको डॉक्टर के तौर पर बिठा सकती है क्या महापालिका? नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्रेमवर्क जो दिया है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने वही दायरे में महापालिका ने डॉक्टर्स रखे। अब तीसरी बात, पूरे महाराष्ट्र में एक भी ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ना एक भी महापालिका का हॉस्पिटल, ना जिला परिषद का हॉस्पिटल टाइफाइड का वैक्सीन फ्री देता है। अपनी महापालिका सालों साल टाइफाइड का वैक्सीन फ्री देती है, एकमेव महापालिका जो टाइफाइड का वैक्सीन अपने लोगों को फ्री देती है। दिखावे दूसरी महापालिका, वो मुंबई रहने दो, थाने रहने दो, पुणे रहने दो, नागपुर रहने दो, सिफारिश करनी पड़ी आपको, इसकी सिफारिश करनी पड़ी है। हम बैठे, हम लोग ने बोला कि अपने लोगों को ये परवड़ता नहीं है टाइफाइड का भी वैक्सीन फ्री में देने को, वो फ्री में देते, सारे सर्विसेज तो फ्री में देते अपन। अब भी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि ये मेडिकल सर्विसेज फ्री देने का, अपन तो पीछे 12-13 साल से फ्री में दे रहे हैं। वो 400 बेड के हॉस्पिटल का जो अभी इशू चल रहा था, वो कह रहे हैं कि आपके जन्मदिन के दरमियान उप मुख्यमंत्री जी ने, महायुति की सरकार थी, उन्होंने डिक्लेयर किया, उन्होंने पैसा पास कराया और उन्होंने अस्पताल की नींव रखने के लिए कहा और आपने अपने जन्मदिन पर उसको क्रेडिट ले लिया। 9 तारीख को 25 करोड़ का पहला चेक गवर्नमेंट से पास हुआ, 9 तारीख को, 9 जुलाई को। GR माननीय मुख्यमंत्री ने हमें बुलाया और वो GR का कॉपी मेरे हाथ में दिया और बोला, फोटो है आज भी, फोटो है वो देख सकते हैं,
जीआर का कॉपी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे हाथ में दिया, तो 9 तारीख के दिन था। 9 तारीख के दिन था, 9 तारीख के दिन का असेंबली सेशन चालू था। 9 तारीख के दिन, 12 तारीख को विधान परिषद के इलेक्शन थे। करेक्ट, ठीक। तो 9 तारीख को जीआर मेरे हाथ में दिया, 25 करोड़ का ट्रांसफर, पहला चेक वो किया। और गवर्नमेंट का तो काम ही है ना, काम करना, उपकार कर रही है क्या, मेरा पर्सनल फाइल किया है क्या, मांग किसकी थी, हमारे तालुका में हॉस्पिटल की मांग थी, 400 बेड का हॉस्पिटल, 25 करोड़ का चेक आ गया, उनको दुख किस बात का है, क्रेडिट उनको मिलना चाहिए, वो कह रहे हैं ले लो, मतलब 35 साल में एक हॉस्पिटल नया, भूमि पूजन तो हो रहा ना, भूमि पूजन ये तो मान्य करते है। एक बाजू आप दोनों बाजू से नहीं बोल सकते, एक बाजू बोल रहे हो कि कुछ काम नहीं हो रहे और जो काम हो रहे है वो हमने करा है, ऐसे नहीं बोल सकते ना। वो कह रहे हैं क्रेडिट और नारियल फोड़ देते हैं आप, वो क्रेडिट उनको मिलना चाहिए, महायुद्धि को मिलना चाहिए। सामने आवे हॉस्पिटल में क्या हो बतावे, ये चैलेंज, हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटी है उन्होंने बताने का, अस्पताल में व्यवस्था डॉक्टर की होगी, व्हील चेयर की होगी, क्या क्या सर्विसेज हो पूरे हॉस्पिटल में, कितना एरिया का हॉस्पिटल है, क्या क्या सर्विसेज उसमें है, चैलेंज कर रहे हैं आप 100%। सामने वाले की समझ हमें पता है। अच्छा, सिर्फ क्रेडिट लेने के हिसाब से वो लोग हर जगह पे पहुंचते हैं। आरटीओ का जो भूमि पूजन हुआ उसका प्लान प्राइवेट आर्किटेक्ट से हमने बना के लिया, उसके भूमि पूजन में पालक मंत्री महोदय आए थे, एमपी आए थे, ऑब्जेक्शन नहीं है। नहीं, वो हमेशा कहते हैं कि जब इस तरह की बातें आती हैं, मैप बनना हो या उसकी इंफ्रा की बात हो, तो वो आप ही बना लेते हैं या आपके साथ बैठकर, उनको भनक तक नहीं पड़ती। आप बनाओ प्लान, रोका किसने, मेरे को प्रॉब्लम, उन्होंने बनाने के अच्छे प्लान, मेरे को जरा भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी महापालिका का बिल्डिंग, वो महापालिका का बिल्डिंग नहीं था, आप 2016-17 में शायद, साल एग्जैक्टली याद नहीं है, 2016-17 में महापालिका का बिल्डिंग का भूमि पूजन किया था, उसके ठीक सामने अलग जगह पे किया। ये बस डेपो का जगह था, उसका पुराना प्लान आप देखोगे जो गवर्नमेंट ने बनाया था, तो नीचे पार्किंग, ऊपर पूरे जगह पे स्लैब और ऊपर बस का पार्किंग, खत्म। वो पूरा प्लान रद्द कराया, इधर ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे दुकानें, सेकंड फ्लोर पे पार्किंग, थर्ड फ्लोर पे बड़ा हॉल डबल हाइट का, सामान्य आदमी को आज शादी करने का रहेगा, अलग अलग घर के कार्यक्रम करने का रहेगा, तो 1.5-2 लाख रुपए हॉल वाले को खर्चा करना पड़ता है। तो वो उधर हॉल बनाया था कि सामान्य आदमी को अगर घर कार्यक्रम, शादी, ब्याह जो भी करने का रहेगा, तो इधर महापालिका का हॉल रहेगा तो 8-10-15 हज़ार में वो सामान्य आदमी को मिलना मंगा, वो भावना से वो डबल हाइट का हॉल बनाया था। और आप जाके देखो, हाँ। आपको सभागृह में कन्वर्ट हो गया, वो हॉल बनाया था। और बीच का जो G+7 है वो पूरा ऑफिस बिल्डिंग था अपने युवक के लिए, कर्मचारी ठीक से बैठे ऐसा, महापालिका कर्मचारी नहीं, वो पूरा बीच का जो G+7 बिल्डिंग है वो यंगस्टर्स को अगर स्टार्टअप करने का रहेगा, इंक्यूबेशन, इंटरनेट का कनेक्शन, कंप्यूटर से लेके सब रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जिसको अगर नया स्टार्टअप करने का रहेगा जाए बैठे जाने का, 1000 रुपए महीना भरने का, फ्री को वैल्यू, सारी फैसिलिटीज, सारे फैसिलिटीज, वो हिसाब से वो अपने युवकों के लिए वो बिल्डिंग पूरा डिजाइन किया था। प्रशासक बैठा, पुरानी बिल्डिंग कम पड़ने लगी, ये एनक्रोच किया है, ये महापालिका के लिए बिल्डिंग बनाया नहीं था, ये बनाया था पूरा सामान्य जनता के लिए, नीचे जो दुकानें हैं लोगों के लिए थी, कि महापालिका को एक उत्पन्न भी मिलना चालू होएगा, अपने लोगों को 2 पैसा मिलना चालू होएगा। हॉल बनाया था लोगों के लिए, ऑफिस बिल्डिंग बनाई थी स्टार्टअप इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए, महापालिका का भूमि पूजन दूसरी जगह पे किया था, महापालिका का बिल्डिंग नहीं था। इन्होंने ऐसे प्लान्स बनाने के, मेरे को जरा भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक बात और कहते हैं, बाहर निकले ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत खराब है, आज तक एक पुल जो नाला सुपारा का है वो रामनाइक के कालिकार में बना था, ऐसा उनका कहना है। तो ब्रिज एमपी का काम है, क्योंकि रामनाइक जी तो एमपी थे, तो ब्रिज एमपी का काम है कि आमदार का काम है? निश्चित रूप से दोनों का, जनता के उसके हिसाब से अगर वो ही प्रयास करें और आपके प्रयास करें, तो अब उनके लेकर फंड कौन आता है, किस तरीके से आता है? नहीं, अगर वो बोल रहे कि राम नाईक जी ने वो ब्रिज बनाया था, तो इतिहास में एक बार छोड़ा 2009 से 2014,
तो आज तक सारे उनके पार्टी के एमपी थे, तो फिर बाकी के ब्रिज क्यों नहीं बनाए? उनकी भी अपेक्षा हमसे ही है। अच्छा। उनके एमपी से उनकी अपेक्षा नहीं है, हमें समझ में आ गया कि इतनी बार एमपी बनने के बावजूद भी उनके एमपी एक भी नए ब्रिज ला नहीं पाए, तो उनके पास भी अपेक्षा नहीं है। मतलब उनके नेते उनके एमपी से अपेक्षा नहीं करते, हमें समझ में आ गया। आमदार कितने इधर? 6 पूरे जिले में। गलत। अच्छा ठीक है, आप विधान परिषद की बात भी कर रहे हैं। रवि फाटक साहब आमदार थे, माननीय डावकरे साहब 2 बार, तीसरी बार आए आमदार थे, उनके सीनियर डावकरे साहब आमदार थे, ऐसी अनेक लिस्ट है। 19 अलग अलग लोग इस क्षेत्र में वसी तालुके के आमदार रह चुके हैं। कितना विकास? 2009 के पहले अपने खासदार के पिताजी सोपारा ईस्ट का स्टेशन भी उनका मतदार संघ। आप विष्णु सारो जी की बात कर रहे हैं। हमारे अच्छे संबंध। डेडिकेटेड फंड 2 डिपार्टमेंट को मिलता है, पूरे स्टेट का बजट का डेडिकेटेड फंड 2 डिपार्टमेंट को मिलता है, एक ट्राइबल डेवलपमेंट जो आदिवासी विकास और दूसरा महिला व बाल कल्याण, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर। मतलब बाकी कोई भी आप खर्चा कम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन ये 2 डिपार्टमेंट में टोटल बजट का डेडिकेटेड परसेंट देना ही पड़ता है बाय लॉ। ट्राइबल डेवलपमेंट के मिनिस्टर इनके पिताजी थे, 2009 के पहले उनका मतदार संघ नाला सुपर रईस था। कितना विकास किया लॉ के बाद वो मेरा मतदार संघ हुआ, उसके पहले तो इनके कार्यकाल थे, सारे कार्यकाल थे। तो 35 साल में जो डेवलपमेंट है, वो किस क्षेत्र का बात कर रहे हैं? ट्रैफिक की समस्या तो अभी भी है ना, वो तो आपकी आप अगर प्रयास करते शायद ट्रैफिक की समस्या कम हो सकती। आपने पुल का बात किया, नहीं मैंने कहा कि वो एक ही पुल बना, उसके बाद दूसरे पुल की अपेक्षा। विरार का ब्रिज आधा काम हुआ है, रेलवे के ऊपर का जो काम रहता है वो रेलवे करती है। अभी रेलवे डिपार्टमेंट ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कितनी बार वो ये ब्रिज का काम लेके 10 साल से इनके ही एमपी थे, अब भी इनके एमपी चुन के आए, हम उधर तक रुके नहीं। विरार में महापालिका के सामने ईस्ट वेस्ट का ब्रिज, मतलब ईस्ट का डीमार्ट से लेके महापालिका के सामने एक ब्रिज सैंक्शनड है, अप्रूव्ड है, रेलवे के ऊपर का परमिशन उधर नहीं मिला है। ओसवाल का वेस्ट सुपारा जाने वाला ब्रिज सैंक्शनड है, रेलवे के ऊपर का परमिशन नहीं मिला है। अलकापुरी से लेके वेस्ट में जाने वाला ब्रिज सैंक्शनड है, रेलवे के ऊपर का ब्रिज का परमिशन नहीं मिला। ये मैं सुपारा मतदार संघ का बोल रहा हूँ। वैसे वसई में भी अलग अलग ब्रिज सैंक्शनड है, रेलवे के ऊपर का परमिशन नहीं मिला है। अभी हम सांसद की कुछ अपेक्षा नहीं करने वाले, हमने ऑलरेडी कंसल्टेंट को काम दे दिया है कि आप जाके सेंट्रल गवर्नमेंट से जो ये रेलवे मिनिस्ट्री से काम निकलवाने का है, जिस तरीके से निकलवाने का है उस तरीके से निकल। आप समझ गए? मैं समझ गए। हम देख लेंगे, अपेक्षा जैसा उनको नहीं है उनके खासदार से, वैसे हमें भी नहीं है उनके खासदार। ये काम करेंगे वो? वो काम करेंगे, हमने ऑलरेडी कंसल्टेंट अपॉइंट कर डाले। तो ट्रैफिक की समस्या से मुक्ति हो सकती है उसके बाद? ये चारों ब्रिज होने के बाद पैरेलल जो एक बॉटल नेक होता है सुपारा में, वो विषय खत्म हो जाएगा। रेलवे का परमिशन 2-4 मैक्सिमम महीनों में रेलवे के ऊपर का परमिशन भी अपॉइंट हो गया है, काम अपना चालू हो गया है, वो खत्म हो जाएगा। वो होते ही स्टेट गवर्नमेंट टेंडर निकालेगा और ये सब ऑन रिकॉर्ड है। हाँ, सब चारों ब्रिजेस। ये उसी समय 9 तारीख के आसपास ही बहुत सारी सी सैंक्शन हो चुकी थी, साथ में 12 अलग अलग ब्रिजेस शहर के अंतर्गत। मतलब रेलवे के ऊपर के तो 4 ब्रिजेस, लेकिन विद इन सिटी भी 12 अलग अलग ब्रिजेस वो कम करके भी 8 पे लाए 7 और 8 7 या 8। एक ब्रिज में कंफ्यूजन है कंबाइन करने का कि नहीं करने का। चलिए ट्रैफिक की समस्या, एक समस्या और आती है, शिक्षा पर आपने ढंग से काम नहीं किया। कहते हैं कि विवाह कॉलेज को साइड में कर दे, तो एक भी गवर्नमेंट से अटैच्ड विद्यालय, चाहे वो जिला परिषद की बात, हालांकि जिला परिषद और महानगर पालिका के हमेशा ही हैंड ओवर की बात चलती रही है, वो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन जिला परिषद विद्यालय की दयनीय हालत है, और एक भी ऐसा विद्यालय जो ठीक से व्यवस्थित यहाँ से चल सके, इसकी शिकायत रहती है। जिला परिषद में कौन बैठा है?
आप फिर से अटैक कर दिए। अटैक नहीं है ना, ये रियलिटी है। मैं किसी पे भी अटैक नहीं कर रहा हूँ, ये वस्तु स्थिति है। जिला परिषद की मैं कौन बैठा है, गवर्नमेंट है, सीधा बात है कि यहाँ के सांसद कर सकते हैं, यहाँ के चलो प्रशासक तो अभी बैठा है। ठीक है, पिछली जिला परिषद किसके ताबे में थी, सेना भाजपा के ताबे में। ठीक है, अभी वो हमको ब्लेम कर रहे हैं कि खुद के पार्टियों को ब्लेम कर रहे हैं, मुझे मालूम नहीं है। 2009 में मैं चुन के आया कांग्रेस राष्ट्रवादी गवर्नमेंट, हमारा लेटर है कि जिला परिषद के जितने भी स्कूल्स है और प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो महापालिका को हैंड ओवर, उन्होंने किया नहीं। सेना भाजपा का गवर्नमेंट आया 2014 से 2019 तक, उनको भी पत्र दिया, अभी तक हैंड ओवर नहीं किया। महाविकास आघाड़ी का आया, उनको भी पत्र है, ये सब रिकॉर्ड है, जो बोल रहे हैं उन लोग ने निकाल लिया, उन्होंने हैंड ओवर नहीं किया। महायुति का गवर्नमेंट आया, झगड़े हम फाइनल स्टेज पे लास्ट मीटिंग आचार संहिता लगने से पहले पालघर में हुई थी, माननीय पालक मंत्री इस समय के मेरे पिताजी से लेके सब थे, फाइनल स्टेज पर कि नहीं हम हैंड ओवर करने को तैयार है। परिस्थिति बिकट क्यों है, क्योंकि जिला परिषद महापालिका के क्षेत्र में खर्चा करती नहीं, क्योंकि बोलती है कि महापालिका के एरिया में, महापालिका खर्चा कर नहीं सकती क्योंकि मालकी जिला परिषद की है। इसमें मरण किसका होता है, तो सामान्य आदमी का। तो हमने बोला कि तुम खर्चा नहीं कर रहे हो क्योंकि महापालिका में ना, हमको दे दो, हम खर्चा करने को तैयार है। आज महापालिका चाहते हुए भी खर्चा कर नहीं सकती क्योंकि महापालिका के मालकी का नहीं है, जिला परिषद के मालकी का है। खर्चा करने का किस बेसिस पे, इतनी तो समझ रखी है लोग। वो तो वीडियो दिखा रहे हैं बराबर के, आपके जो जिला परिषद की व्यवस्था है की, और वीडियो दिखा कर वो सरकारी स्कूल के दिखा रहे हैं। अभी सरकार किसका है, वो जो वीडियो दिखाया वो सरकारी स्कूल का है, सरकार किसका है, महापालिका की जवाबदारी नहीं, वो सरकार की जवाबदारी है। इतनी अगर समझ रहेगी तो मैं कितना सीरियसली लेने का और क्या जवाब देने का है। अगला सवाल, जिस तरीके से शिक्षा स्वास्थ्य इन पर हो गया, लेकिन क्या लगता है जिस तरीके का चुनाव चल रहा है, एक वीडियो जारी हो रहा है, धीरे धीरे इन मुद्दों के अलावा जो 35 साल और कहा जा रहा है कि आप ऑफिस से निकलते नहीं, निकलते नहीं ऑफिस से निकलता है, आप 22 डिग्री 23 डिग्री के टेम्परेचर में बैठते हैं और कारण के बाहर अभी तक 5 वर्षों में निकले नहीं, अगर निकलते तो यार घूमना नहीं पड़ता। वो इसी मेरे टेम्परेचर देखता नहीं, लेकिन शायद सेट करने को वही सुबह सुबह आते रहेंगे मेरे ऑफिस में या गाड़ी में आते रहेंगे, मैं टेम्परेचर वगैरह देखता नहीं। एक ही विनती करता हूँ उनको, मेरा सोशल मीडिया का जितने भी हैंडल्स रहेंगे, मतलब वो फेसबुक रहेगा, इंस्टाग्राम रहेगा, ट्विटर रहेगा, उन्होंने फॉलो करने का। आप ध्यान देते हैं इन पे? मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता, मैं फील्ड पे रहता हूँ, मैं ज्यादा वो सोशल मीडिया वगैरह पे ध्यान नहीं देता, मैं फील्ड पे ज्यादा रहता हूँ। वो देखे इनको, उन्होंने फॉलो करने का, उनको सारा किधर किधर हर रोज घूमता हूँ मैं, किन किन लोगों को मिलता हूँ, वो सारा मिल जाएगा। मतलब कार्यालय छोड़ के जाता है कि नहीं जाता है, वो प्रमाण है वहाँ पे, उनको मिल जाएगा। और पिछले 15 साल का मिलेगा, अभी का नहीं, पिछले 15 साल का मिलेगा उनको। अच्छा, फॉलो कर लेने का। एक वीडियो बीच में जारी हुआ, जब मुद्दे इस तरह के चलने लगे तो एक वीडियो आया जिसमें एक मौलाना है, उन्होंने कहा कि यहाँ पर बोईसर, नाला सुपारा और वसई में वोट दिया जाए बहुजन विकास आघाड़ी को, उसके साथ में एक अटैच चलाया गया कि हिंदुत्व वाली बात। तो ये जो बातें अब चलने लगी 15 तारीख के आसपास, चुनाव के अंतिम छोर में क्या बचा, तो बचा तो हिंदू और मुस्लिम, तो इस तरह पे क्या कहेंगे, जिस तरह का माहौल पैदा करने का देश में क्रमान इलेक्शनों में, इस तरह की भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव सेट होता है, क्या इस नैरेटिव पर कुछ आप कहेंगे या चलने दो? पहली बात तो जिन्होंने हमें सपोर्ट किया उन मौलानाओं का मैं आभार प्रदर्शन करता हूँ, जाहिर में आभार मान्य करता हूँ। अलग अलग जाति और धर्म के लोग, सिर्फ मौलाना जी के, परसों स्वामीनारायण मंदिर में था, उधर स्वामी जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, उन्होंने जाहिर सभा में मुझे आशीर्वाद दिया, मैं उनका आभारी हूँ। स्वामी जी खुद आके इतने लोगों के सामने मुझे आशीर्वाद देते हैं, उनका आभारी। जैन महाराज, मतलब मेरे पिताजी ने कम से कम 25-30 बार जैन के उपवास किए। हाँ, जिसमें पानी शायद सिर्फ गर्म पानी, सूर्योदय से सूर्यास्त, उसके खाना वगैरह 8 दिन कुछ नहीं, सूर्योदय से सूर्यास्त सिर्फ गर्म पानी पी सकते हैं, बाकी अन्न कुछ नहीं 8 दिन। वो करते 9 दिन, क्योंकि स्थानकवासी देरावासी 1 दिन आगे पीछे चालू होता है, तो हर साल करते 9 दिन। ये जैन लोगों के उपवास, उनके महाराज ने हमको आशीर्वाद दिया, मैं उनका आभारी हूँ। ऐसे अलग अलग गुरुद्वारा भी कल गए थे, गुरु नानक जयंती थी सुपारा में, मैं 3 दिन पहले था
सुपारा गुरुद्वारा में, कल गुरु नानक जयंती में मैं वसई में था, उनके गुरु जी ने हमें आशीर्वाद दिया, इसमें गलत क्या है? अच्छा, हमारा साईं बाबा का मंदिर 1986 में बना था। अब मुख्य बात पे आ रहे हैं, ये कॉलेज के सामने का गणपति मंदिर किसने बनाया? सोपारा का पाचमुखी हनुमान मंदिर किसने बनाया? अशोला का साईं बाबा मंदिर किसने बनाया? शिरडी में भक्त निवास स्थान, आज शिरडी संस्था जो ट्रस्ट है उसके बाद सबसे ज्यादा लोग अगर फ्री में रहना, सुबह के नाश्ते से लेके रात का खाना करते रहेंगे तो अपना जो भक्त निवास स्थान शिरडी में उस जगह पे करते हैं। अभी ये हम धर्म जाहिर नहीं करते, धर्म के नाम पे ढोल पीटना मतलब मैं हिंदू हो गया ऐसा नहीं है। हम हिंदू नहीं है क्या? अगर अलग अलग जाति धर्मों के लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया तो ये हम नसीब समझते हैं हमारा कि इतने सारे अलग अलग समुदाय के लोग हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इस तरह के वीडियो जारी करें जो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वो काम करेगा? उनकी समझ उतनी ही है, उनकी उतनी ही समझ है। मैं बार बार हर जगह पे बोल रहा हूँ, आरोप करने ना 35 साल में कुछ नहीं हुआ, एक स्टेज पे आए। अच्छा, नहीं तो मैं उनके ऑफिस पे आता हूँ, आप सब मीडिया वाले जमा हो जाए, उनको शायद बिजी रहेंगे क्योंकि हाँ तो। आज दिल्ली से ये आ रहा है, परसों यूपी से ये आ रहा है, परसों ये नेता आ रहा है, कब परसों वो मैडम आ रही है, वो सब मैडम और नेता में बिजी है। उनके गाड़ी में आप इंटरव्यू लो मेरे साथ, उनके गाड़ी में मैं आऊंगा। आप खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं कि आइए। मैं आपको आज लिख के देता हूँ ये सामने आने वाले नहीं है। अच्छा, 100% नहीं है। उनके ऑफिस में इंटरव्यू रखो, वो और मैं, उन्होंने आरोप करने के मैं सामने बैठूंगा, मैं जवाब देते बैठूंगा, या फिर घूमती फिरती पे रहेंगे तो उनकी गाड़ी में इंटरव्यू लो। अपना कार्यक्रम आप भी शेड्यूल में बिजी रहेंगे ना, सब छोड़ के आऊंगा मैं। अगर वो आमने सामने उन्होंने आरोप करने के मैं जवाब देते बैठूंगा, रेडी है, उनकी गाड़ी में इंटरव्यू लो, आता हूँ मैं। चलिए, ये भी तैयारी हम लोग करते हैं, प्रयास तो करते हैं। अगर आगे मैंने तो बोला था कि लोगों के सामने लो, वो भी लोगों ने भी प्रश्न पूछने मांगते हमको कि हमने क्या किया है, और इन्होंने भी आरोप करने के, लेकिन लोगों के सामने करने के, ये कोई आने वाला नहीं है। छोड़ो, आखिरी सवाल, जिस तरीके का चुनाव है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत सारा इस बार होता है कि बाहर से नेता आए यहाँ पर, अलग अलग बातें कहे और अपनी अपनी बातें करके चले जाते हैं, क्या लगता है यहाँ के स्थानिक लोग, तमाम लोग उत्तर भारतीय, तमाम लोग अलग अलग चीज़ों पर अपने अपने ताव पेच खेलते हैं, वो नेता आया तो उत्तर भारतीय, वो नेता आया तो महाराष्ट्र लोगों का, वो आया तो मुस्लिम लोगों का, इस तरह का प्रयोगशाला बन गया है इस चुनाव में, क्या ये सब चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, जिस तरह का माहौल है उसमें क्या करेंगे? अभी वो कौन से मैडम आए थे, मैं नाम नहीं बोलूंगा, उन्होंने तो बोला कि पिछले इलेक्शन में भी हम आए थे और इस इलेक्शन में तो पानी आ गया, बिजली आ गई, अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बन गई, ये तो उनके स्टार प्रचारक थे। बाजू में जो उम्मीदवार खड़े है उनकी मुस्कुराहट और बाद में चेहरा कैसे गिरते हुए कि मैडम क्या बोल गई, मैडम क्या बोल गई, और उधर से वो इशारा करके कट करो कट करो कट करो, वो कट नहीं कर रहा, वो कट नहीं हुआ और वो बहुत घुमा। अभी आपके स्टार प्रचारक अगर हमारी तारीफ करने लगे उससे बड़ा क्रेडिट तो और आ सकता है, स्वागत है उनका। हम तो स्वागत करते हैं कि जितने नेता आ सकते उतने आओ, हमारा बसई विराना का टूरिज्म बढ़ाओ, हमारे गरीबों को 2 पैसा मिलेगा, रिक्शा वड़ा पाव से लेके, इसमें गरीब तो प्रचार कर रहे हैं वो लोग, तो उम्मीदवार के लिए आ रहे हैं तो उनको उनका वो तो उनको दिन का जो पैसा देते हैं अच्छा उतना ही, बाकी कार्यकर्ता किधर है, पैसे दे के बुलाते हैं, रैंडमली किधर भी जाके पूछो, हमारे जो कार्यकर्ता घूम रहे वो रैंडमली आप किधर भी जाके देखो, हाँ सीनियर लोग डोर टू डोर कर रहे हैं, सीनियर लोग मतलब यंगस्टर्स तो ताकत से लगे ही है, और अलग अलग जाति धर्म के लोग साथ में मिलके, हर समाज के प्रतिष्ठित लोग साथ में मिलके डोर टू डोर, व्यापारी मंडल रहने दो, गुजराती समाज के रहने दो, मारवाड़ी समाज के रहने दो, उत्तर भारतीय रहने दो, साउथ इंडियन लोगों ने मीटिंग लगाई थी, मतलब हर जाति धर्म के लोग, हर राज्य प्रांत के लोग हमारे प्रचार में आपको दिखेंगे, तो आपको जरूरत नहीं पड़ती कि आप किसको बुलाइए, हमारे यही सब स्टार प्रचारक है, यही सब स्टार प्रचारक है, हमको स्टार प्रचारक की जरूरत नहीं है, यही हमारे सब स्टार प्रचारक, उनको जो आ रहे हैं आने दो, कोई फर्क आने दो, हमारा टूरिज्म बढ़ रहा है, लोगों को 2 पैसा मिलेंगे, तो जीत का कितना भरोसा? 100% आप घूमो अलग अलग क्षेत्र में,
भाड़े पे के कार्यकर्ते और असल हमारे परिवार के कार्यकर्ते में आपको अंदाजा दिखेगा। लोग भी बोलते हैं कि ये क्या भाड़े पे लोग लाए, आगे गए ना तो लोग भी बोलते हैं कि ये क्या चालू है, लोगों को भी ये पसंद नहीं है। आप देखो ना ये जो अलग अलग 25 जन का ग्रुप रहता है, अच्छा हर पॉकेट पूरा निकाला है आपने, हर 25 जन का ग्रुप है, हर पॉकेट में सुबह कितना मिलता है, शाम को कितना मिलता है और उसी के सामने और क्या क्या मिलता है। अच्छा वो आप उनका इंटरव्यू ले लो, शाम को पूछो, आप उनको रैंडमली जाके पूछो। अच्छा कैमरा मत दिखाना क्योंकि डर जाते हैं। अच्छा लेकिन नॉर्मल चर्चा में आप पूछोगे ना तो आपको समझेगा कि क्या हमारे पास ऐसे लोग नहीं है। हमारे यहाँ पे भी रैंडमली आप चेक करो, रैंडमली जाके चेक करो, हम पे प्यार करने वाले। एक आपने रैली का फोटो वीडियो देखा कि नहीं पता नहीं, अपना आप जिसका जिक्र करने जा रहे हैं तो बोलिंग पोल्यूशन के ठीक पास में पैसे वितरित करने वाला एक वीडियो। नहीं नहीं नहीं, नहीं। हम लोग उसको वैल्यू देते नहीं। हमारे मोटरसाइकिल का रैली का वीडियो आपने देखा रहे, एक अपंग लड़का, यंग लड़का, ईस्ट से जिधर तक रैली चली उधर तक चल के आया। चल के आया, चल के आया। उसको मैंने 10 बार बोला कि तू मोटरसाइकिल में बैठे गाड़ी पे बैठ, अपंग लड़का चल के आया। उसका भी इंटरव्यू लो, हर रोज सुबह उठता है वो, हर रोज 4 बिल्डिंग डोर टू डोर अकेला करता है, अपंग लड़का। तो ऐसे कार्यकर्ता है आपके पास, नसीब लगता है उसके लिए, ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए नसीब लगता है कि इतने लोग हम पे प्यार करते हैं। आप जाके उसका इंटरव्यू, हर रोज सुबह पहले वो 4 बिल्डिंग डोर टू डोर करता है, चल के विरार से लेके अचोला तक। अपंग व्यक्ति आता है, उसको 10 बार मैंने बोला कि मोटरसाइकिल पे बैठ, गाड़ी में बैठ, बैठा नहीं हो चल के। तो बाहर से आपको बुलाने की जरूरत नहीं, इस तरह के लोग आपके पास जरा भी जरूरत नहीं। हम पे लोग प्यार करते हैं और वो नसीब लगता है कि इतने अलग अलग समाज के लोग सामने से आके आशीर्वाद देने को आते हैं, इससे ज्यादा और क्या बोलते हैं। 23 तारीख को सेलिब्रेशन करने के लिए आ जाना। धन्यवाद। थैंक यू। ये थे क्षितिज ठाकुर, उन्होंने साफ तौर पे डेवलपमेंट के नाम पर पूरा बोला है। उन्होंने साफ तौर पे उन सारे मुद्दों पे बात की जिन मुद्दों की चर्चाएं इन दिनों विपक्ष बहुत ज्यादा कर रहा है। एक बात इन्होंने और कही कि सभी जात धर्म के लोग उनके साथ हैं और उसी के भरोसे वो चुनाव लड़ रहे हैं और जीतने का आश्वासन भी दे रहे हैं। सवाल ये है कि जब रिजल्ट आएगा तब किसकी जीत होती है और किसकी हार, ये तो समय बताएगा। लेकिन वर्तमान स्थिति में साफ तौर पे हो चुका है कि क्षितिज ठाकुर पूरी तरह मैदान में सज्ज हो चुके हैं, उनके साथ जिस तरह का कायनात है वो बहुत कुछ बोल रहा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।